बटुकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मंगलदीप नगर से एक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां मां से हुए मामूली विवाद के चलते मृतक ने फांसी लगाकर जिंदगी का सफर खत्म कर लिया, जिसे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 24 वर्षीय मृतक रोहित बारंगे 2 साल पहले पिता के बाद अनुकंपा पर MSF की नौकरी पर लगा हुआ था। मृतक को घर की दीवार पर गुटखा थूके हुए दाग नजर आए, जिसके चलते इस बात की शिकायत पर दोनों माँ बेटे के बीच जमकर विवाद हुआ कि आखिर ऐसे किरायेदार क्यों रखे हैं। यह विवाद इतना बड़ा कि दोपहर 1 बजे मृतक ने किचन का दरवाजा लगाकर फांसी लगाई और इस बीच वह जोर जोर से चिल्लाया भी कि माँ मुझे बचाओ, लेकिन जब तक माँ किसी और को बुलाकर मृतक को बचाने की कोशिश करती तब तक रोहित के प्राण पखेरू उड़ चुके थे। आई यानी मुलगा दोघ सोबत राहायचे, त्याच्या तिसरा कोणी नव्हता आणि असं ते किरायेदारानं थोडंसं त्यांची हे झालं, ती तो आई हॉलमध्ये येऊन बसली आणि तो आतमध्ये किचनकडे गेला, त्याला वाटलं आईला काय पाणी प्यायला गेला असेल। नंतर मग ते त्यांनी आतमधून दरवाजा बंद करून दिला आणि तिथून तो चिल्लावला आई वाचो वाचो, तर त्याच्यात आईला वाटलं एकदम ते घाबरली, ते जाऊन पाहिजे दरवाजा बंद, मग त्याने आजूबाजूच्या पडोशीसना बोलवलं पण ते दरवाजा तोडायला वेळ लागला, त्याच्यात ते तोपर्यंत जवा दरवाजा तोडला तोपर्यंत तो संपून गेला। अच्छा, तो ड्युटी करायचा आपलं बाबाची ड्युटी त्याला भेटली होती ते 2 वर्षाआधी। हे फक्त हे किरायेदार ते थुकण्याहून ते थुकले बा हे एवढी मोठी पॉज दिवाल बनवली नाही, किरायेदार कसे ठेवले तू अशी म्हणजे गंदगी फैलून राहिले, त्याच्यावर ते थोडीशी बचावायची। 2 किरायेदार हा एकुलता आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।